Shine bright up all night. We're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes. We're bound to hit the ground. हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे आपने लास्ट वीडियो को प्यार दिया, वैसे ही इस एपिसोड सेकंड को भी प्यार दें, जिसमें हमने बरोड को एक्सप्लोर किया है और आपको बढ़िया से स्नो भी दिखाते हैं और बरोड में जो मेन मेन स्पॉट्स है और जो जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो वो भी बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे आपने कुछ क्लिप्स पहले देखा, हम पहुंच चुके हैं फाइनली बरोट और बहुत ही सुंदर लोकेशन है। अभी बर्फ बहुत ही तगड़ी पड़ी है, जैसे आप देख सकते हो, मतलब बिल्कुल स्लिपरी आइस हो चुका है इस टाइम और बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं आगे हम आपको और क्या शूट करके बता सकते हैं। और बाकी जो आपने डैम वगैरह का देखा वो मैंने उतनी क्लिप्स ही ली, क्योंकि अभी फिलहाल मतलब सही है यहाँ पे, लेकिन जो पानी फ्लो वाली चीज थी ना, जो मतलब समर में होती है, वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल ही चीज है। बाकी चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, समर में अगर आना हुआ तब यहाँ पे आएंगे। और अभी फिलहाल हम आइस के ऊपर चल रहे हैं बहुत मज़े से, क्योंकि फ्रीजिंग टेम्परेचर भी इस टाइम और स्लिपरी भी आइस। और बस देखते हैं अभी आपको और नज़ारे थोड़े से बरोड के दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप मनोज भाई मस्ती करते हुए हैं, मनोज भाई बर्फ़ के साथ। और देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ से पानी आ रहा है पीछे से बढ़िया, आगे डैम से जा रहा है, फिर बिल्कुल एकदम मैसमराइजिंग जो है व्यू है यहाँ से। आप मनोज भाई जंप मारने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, चलिए। नहीं, जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे अभी फिलहाल तगड़ी बर्फ़ गिरी हुई है और अभी तो यहाँ पे इतनी बर्फ़ है, लेकिन कुछ टाइम में यहाँ पे और ज़्यादा बर्फ़ जो है गिर जाएगी और उसका सिनेरियो कुछ ऐसा रहेगा यहाँ पे कि ये सारा जो है बर्फ़ से मतलब ढक जाता है। मैंने अभी आपको कहा कि अभी तो फिलहाल यहाँ पे ऐसा सीन है कि बर्फ़ गिरी है लेकिन इतनी नहीं गिरी है, लेकिन जब यहाँ पे और पीक पे जो है विंटर सीज़न होगा तो पूरा जो है वाइट हो जाता है और जो आपने जहाँ पे देखा वीडियो डैम की परे वो भी पूरा जो है रोड ब्लॉक हो जाता है और पूरा वाइट कवर्ड विद वाइट स्नो हो जाता है। और बस अब देखते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं, फिर आपको बताते हैं। ऐसे अभी यहाँ पे हमने माता जी के दर्शन कर लिए और यहाँ पे पीछे टेम्पल की ऐसा कुछ स्पॉट है यहाँ पे और बर्फ़ गिरी है लेकिन उतनी नहीं गिरी है जिसने गिर सकते, लेकिन मतलब बढ़िया है। और अब देखते हैं परे जाते हैं, फिर परे जाके आपसे बात करते हैं। अभी यहाँ पे अच्छे से घूम फिर के आ चुके हैं हम होटल व्हाइट स्टोन, यहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे अब, फिर देखते हैं। कुछ अभी दो तरफ दिमाग चल रहे हैं, अभी हम ऐसे ही सोच रहे हैं यहाँ स्टे कर लेते हैं या तो फिर निकल जाते हैं, क्योंकि टाइम भी वैसे बहुत हो गया। तो चलो कुछ डिसीजन बनेगा तो आपको बताते हैं, बाकी चाय आने वाली थोड़ी देर में, तो तब मिलते हैं। ऐसे खाना आ चुका है अपना और ऐसे व्यू के साथ हम इंजॉय कर रहे हैं खाने का। जल्दी भूख लग चुकी है मनोज भाई को मेरे को, तो बस जल्दी इसको लपेटते हैं। और कुछ अभी प्लान में कुछ चेंज होने वाला है थोड़ी देर में आपको बताते हैं, बस जल्दी से खाना खाते हैं फिर आपको बताते हैं क्या प्लान है। गाइस, हमने पीछे हल्क को खड़ा दिया है और इसने आज बहुत बढ़िया काम किया। और बस हमने, जैसे मैंने आपको कहा था कि प्लान में ट्विस्ट हो गया, तो हमने यहाँ पे जो है स्टे ले लिया है, तो बस यहाँ पे आज रुकेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इसको अच्छे से। बाकी आज का मैं सोच रहा हूँ यहाँ का आसपास का जितना हो सकता है वो शूट करके आपको बताऊँगा। और नेक्स्ट डे हम एक नया व्लॉग शूट करेंगे इनसाइड ऑफ बरोड, जिसमें मैं बरोड में क्या कौन कौन से घूमने वाली जगह है वो सब अच्छे से बताऊँगा। और थर्ड वीडियो बनाएंगे हम घर जाने वाली, तो मतलब आपको पूरा जो है एडवेंचर इस वीडियो में दिखना चाहता है। क्योंकि गाइज मैंने भी यही सोचा, मैंने अमित भाई ने यही सोचा कि दिस प्लेस डिजर्व्स अ स्टे, क्योंकि गाइज यहाँ पे मतलब इतनी सही वाइब है इधर की और मतलब एक दिन में इसको कवर नहीं कर सकता। अभी हमने खाया पिया तो बस अब देखते हैं, थोड़ा रूम वगैरह ले लिया है तो रूम देखते हैं थोड़ी देर में दिखा देंगे, वरना चलो सिंपल ही, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बिकॉज वी आर नॉट अर्निंग राइट नाउ, तो दैट्स व्हाई जितना हमसे हो सका उतना अच्छा हमने कर लिया है और मतलब ऐसा होना ही है, तो फिर बढ़िया उसके लिए उस हिसाब से। तो बस अब देखते हैं, कुछ थोड़ी देर में घूमने फिरने जाएंगे यहाँ से, तो थोड़ा बहुत वो दिखाते हैं। और रात का हम देखते हैं बॉन फायर या कुछ गाने वगैरह चलाएंगे, अंकल के पास एक बहुत ही सेक्सी जो है स्पीकर पड़े हैं बड़े बड़े, मतलब बढ़िया मज़ेदार,
तो उन पे देखते हैं, अगर बजा तो गाने वगैरह बजाएंगे, तो बस आपसे मिलते हैं। गाइज अभी रूम वगैरह से हम निकल चुके हैं, थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे, जितना भी इसमें मेन जितने भी स्पॉट्स हैं वो सब आपको बताएंगे, क्योंकि जब हम एंटर हुए यहाँ पे हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि जो हमने फोटोज़ देखी थी मैप्स पे गूगल पे, तो वो हमें मुश्किल हुई फाइंड करने में कि ये जगह है वो जगह है। तो मैं एक शॉर्ट सिंपल एक कल वीडियो बनाऊंगा मेरे सभी दोस्तों के लिए जो कि ब्रोट आना चाहते हैं, तो वीडियो कल बनेगी। बाकी अभी हम बस ऐसी वॉक के लिए निकले हैं कि होटल पे भी क्या करना था, वहाँ पे रह के बोर हो रहे थे, तो बस अभी यहाँ से निकलेंगे, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं ब्रोट में और क्या क्या है अभी फिलहाल घूमने लायक, और थोड़ी फोटो वगैरह खिंचाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है ब्रोट का, जैसे आप देख सकते हैं इधर, थोड़ा सा मार्केट ये भी एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी कैफे भी है, देखते हैं यहाँ पे शाम को अगर आए तो। ये है कैफे, देखते हैं आप बस आगे को जा रहे हैं। भाई हम थोड़ी सी शॉपिंग करके आ गए हैं, हमने ये ले लिया है खतरनाक सी चीज़, ये इसमें हमारी चुटिया भी है दो, और ये हमने ब्रोट की ये हमने ब्रोट की याद में ले लिया कि ब्रोट से हम कुछ तो यादगार चीज़ लेके जाएं, और इतना महंगा भी नहीं था, और मतलब ये चीज़ मुझे अभी फिर थोड़ी देर पहले रियलाइज़ हुई कि हम मतलब जैसे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के और वो चीज़ें हम लेते हैं, लेकिन ये जो है लोकल जो है वोकल फॉर लोकल चीज़ हमें होना चाहिए, और थोड़ा सा इनके लिए भी इनको भी लोकल जो है बिजनेसिस हैं उनको जो है सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं सोचा एक चीज़ ले ही जाते हैं, अपना क्या है एक याद बन जाएगी और इनके लिए भी थोड़ा सा हो जाएगा, बस अब देखते हैं थोड़ा बर्फ वगैरह में और जाएंगे घूमेंगे और फिर थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। ऐसा होने वाली है इधर शुरू, और ये मिस हो गया है ये बजाय। जैसे आप देख सकते हैं अभी हम जा रहे हैं यहाँ से आइस में से, और ठंड तो बहुत ही तगड़ी पड़ी है यहाँ पे, और बर्फ भी तगड़ी है और ठंड भी तगड़ी है दोनों ही। ओहो मजेदार व्यू। सो गाइस खतरनाक स्नो फाइट के बाद मनोज भाई के हमने तुम्बे पे पेल दिया, बढ़िया एकदम हेडशॉट, बस अंदर तक चली गई आइस, और बस अब हम जा रहे हैं पर देखते हैं फिर से जहाँ पे पहले आए थे, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत घूमेंगे और बस मज़ा आ रहे हैं बहुत। और गाइस जैसे हमें जिस चीज़ का डर था वही चीज़ होना शुरू होगी अब, कि जो सन जो है सेट हो चुका है और यहाँ पे बिल्कुल भी जो है उसकी जो है किरणें वगैरह नहीं आ रही, तो उसकी वजह से जो भी इसमें पानी था जो मेल्ट हुआ था वो फिर से फ्रोजन हो गया, जिसकी वजह से जो है ब्लैक आइस बहुत हो चुकी है, यहाँ पे पैर तक स्किट कर रहे हैं, तो बाइक के टायरों के आता आप खुद सोचिए। तो ये हमने ऐसा अच्छा डिसीजन लिया स्टे करके, क्योंकि भाई क्योंकि हम ऑलमोस्ट 3:30 बजे हुए खाना वगैरह खा के फ्री, और हमें घर जाने में इस जो पूरा रोड है ये रोड ही है पूरा 25 किलोमीटर का जो ये है रोड का जो कट कटता है जो जोगिंद्रनगर से, उसमें हमें एटलीस्ट 2 घंटा लग जाता, तो मतलब 5 या 6 तो ऐसे ही बच जाते और घर तक पहुँचने में अराउंड 1.5 से 2 घंटा, तो 8 या 10 बजे पहुँचते उसका फिर फायदा नहीं था और रश में ही होनी थी वो चीज़ें, तो इससे अच्छा स्टे कर लेते हैं यहाँ पे, ऐसा मेरा प्लान था और मनोज भाई भी मान गए, तो बड़े यहाँ पे फील आ रहा है। और ये सब चीज़ें भी जैसे हमने अभी आपने स्नो फाइट देखी वो चीज़ें भी नहीं कर पाते, जो मैंने कैब खरीदी फॉर मेमरी जो मैं ब्रोड से लेके जाऊँगा वो चीज़ भी नहीं हो पाती, क्योंकि जल्दी जल्दी में काम जो है ऐसे ही होते हैं, तो बस यही है जो ऊपर वाले ने सोचा वो तो होके रहेगा, और हम तो बस कर्म करने वाले हैं जो कर्म करेंगे, क्यों मनोज भाई। बस अब देखते हैं यहाँ पे फिर से इधर उधर घूमते हैं और लास्ट तक जाके आते हैं, जो हमें गया था अभी थोड़ी देर पहले लास्ट तक एक्सप्लोर करके आते हैं, और अब थोड़ा और बताते हैं ब्रोट के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं अगर ध्यान से आपको दिख रहा होगा तो इसकी जो बर्फ के इसके नीचे से जो है पानी जा रहा है यहाँ को, ये देखो हमने क्या स्पॉट किया यहाँ पे, किसी ने स्नोमैन बनाया था इसको, हम और अभी कूल बनाएंगे। ये देखिए ओए होए गलत ही, ये हमारे पूरे मनोज भाई की तरह लग रहे हैं एकदम सेक्सी बढ़िया, और बस अब देखते हैं थोड़ी देर में चलते हैं उधर को एक्सप्लोर करने। तो
गाइस देखो हम कितनी सुंदर जगह पे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ घटिया लोगों ने कांच जो है अपना गंद के जो है कांच तोड़ दिए, तो थोड़ा सा उनको जरा शर्म आनी चाहिए, और आप भी थोड़े इन चीज़ों का ध्यान रखो। और बस ज़्यादा इस चीज़ पे बात ना करते, अब हम सोच रहे हैं कि उधर जाएं जहाँ मेरी उंगली है इधर, तो देखते हैं इधर, कोशिश करते हैं जाने की, बाकी व्यू का एंजॉय करें आप। गाइज ऐसे कुछ सीन्स हैं यहाँ के, और अभी पानी यहाँ से थोड़ा थोड़ा ही निकल रहा है, लेकिन जब डैम खोलेंगे तो पूरा ही भर जाएगा, क्योंकि बर्फ भी थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई है यहाँ पे पीक्स पे, और यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे, अब देखते हैं कहाँ को जाएंगे। अभी आपने देखा ऐसे कुछ व्यू में है हम अभी यहाँ पे, तो यहाँ से सीधा ही होटल से जो है अपना होटल जो है व्हाइट स्टोन, यहाँ से सीधा जो है यहाँ पे आती है, यहाँ से पीछे से सीढ़ियाँ, और यहाँ से हम सीधा आ गए यहाँ पे, मज़ा ले रहे हैं पूरे लेक का, लेक या रिवर का, सॉरी रिवर का पूरा फील आ रहा है यहाँ पे, फ्लोइंग वाटर आ रहा है। लेकिन जब ये डैम्स खुलेंगे तो पूरा पानी से हो जाएगा, तो मतलब भागना पड़ेगा तब तक, यहाँ से ऐसा सीन है। बस अभी यहाँ से फील कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, देखते हैं शाम का क्या बनेगा, तो आपको सीधा शाम को मिलते हैं कुछ खाने पीने का, तब देखते हैं क्या बनेगा। बाकी अभी के लिए आप इस व्यू को एंजॉय करें। गाइस फाइनली हमारी सुबह हो चुकी है, और रात को हम बस खा पी के सो गए थे सीधा, क्योंकि ठंड बहुत थी और रिकॉर्ड करने का भी मन सा नहीं हो रहा था। अभी भी फिलहाल मैंने ग्लव्स पहने, दूसरे हाथ में जो है खोल दिए हैं, क्योंकि ढंग से फ़ोन वगैरह पकड़ा नहीं जा रहा था, और ठंडी इतनी है, तो दूसरे हाथ में जो है ठंडी ठंडी हवा बहुत बज रही है। और हल्क ने भी अच्छा परफॉर्म किया कल, और आज बस हम देखते हैं अभी निकलेंगे अराउंड 10-10:30 बजे के आसपास, तो बस उसका मैं सोचता हूँ एक सेपरेट व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि ये व्लॉग भी बहुत लंबा हो गया, और इसका भी मैं सोच रहा हूँ दो पार्ट में इसको डालूंगा, क्योंकि अराउंड मैंने कल जब डाटा ट्रांसफ़र किया था अराउंड 3-3.5 GB का जो है ये पूरा व्लॉग बना है, तो देखते हैं इसका टू पार्ट्स में हम कर सकते हैं इसको, 1.5-1.5 GB पे या फिर कुछ और टाइमिंग के हिसाब से देख लेंगे। और बस अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो कर दे लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ऐसे एडवेंचर पर हम और भी जाने वाले हैं, और बस आज निकलेंगे घर वापस, और जितना हो सकता है अब रोड का आपको और शूट करके बताएंगे। तब तक बाय बाय, हर हर महादेव।